इससे पहले हमने शॉर्ट पीरियड में किस तरीके से कीमत का निर्धारण किया जाता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में उसके बारे में हमने जाना, मतलब हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब सिंपल समझते हैं कि वहाँ पे आप प्लांट अपनी कैपेसिटी को एडजस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि डिमांड मार्केट में नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ड्यू टू रिटर्न टू स्केल जैसी मार्केट में डिमांड होती है तो उस तरीके से कीमत का निर्धारण कुछ अलग तरीके से होता है। इसके सीधे तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मांग में बढ़ोतरी होती रहती है तो उस हिसाब से जो प्रोड्यूसर है ही गोज ऑन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, तो वो ही इज प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स मीन्स क्योंकि मार्केट में डिमांड है। अब जब मार्केट में डिमांड है तो इस बात को देखते हुए और फर्म भी आकर्षित होकर उसी सेम व्यवसाय में कूद पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से प्रतियोगिता हमें देखने को मिल जाती है। वहाँ पे जितने भी आपके ये साधन है फैक्टर इनपुट्स, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि लॉन्ग पीरियड में जो एवरेज कॉस्ट है, औसत लागत, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको मैंने यहाँ पे समझाया भी गया है कि यहाँ पे औसत लागत, एवरेज कॉस्ट और सीमांत लागत महत्वपूर्ण कार्य अपना निभाती है। मार्जिन कॉस्ट मैंने इसलिए बताया गया है आपको क्योंकि कीमत निर्धारण आपकी वही होगी वेयर एम सी इक्वल टू एम आर, प्राइस इक्वल टू एम सी इक्वल टू एम आर। लेकिन जिस तरीके से फर्म अपना उत्पादन बढ़ाती जाएगी, फर्म गोज ऑन प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड कॉमोडिटीज, बाय सीइंग दिस मोर फर्म विल अट्रैक्ट टू दी इंडस्ट्री। जब और फर्म्स फर्म क्या कहते हैं आने लग जाएंगी उस व्यवसाय में, पेशे में, तो वो अपनी बिक्री को बनाने के लिए क्या करेंगी, अपनी कीमतों में कमी लाएंगी। तो इससे मजबूर होकर जो पहले से एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं जो कार्य कर ही रही हैं वो अपनी कीमतों को क्या करेंगी, कम कर देंगी। तो एक तरीके से क्या होगा कि लॉन्ग पीरियड में कोई भी फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाती है, क्योंकि जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और नई फर्म आकर्षित होके डिमांड को देखते हुए अपना उत्पादन बढ़ाएंगी और प्रवेश करेंगी उस इंडस्ट्री में, तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके फैक्टर इनपुट्स हैं यानी जो भी आपके उत्पादन में सहायक जो आपके तत्व हो गए, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो उससे क्या कहते हैं, प्राइस भी हाइक करेगा। तो प्राइस भी हाइक करेगा तो ऊपर से आपको कॉम्पिटिशन भी फेस कर रहा है क्योंकि और नई फंड्स भी मार्केट में आ गई हैं और उन्हें भी अपना एक तरीके से व्यापार करना है, एक्सपेंड करना है, तो वो अपनी कीमतों को कम करेंगी क्योंकि वो स्टार्टिंग में लॉस उठाएंगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपको भी अपनी जो कीमतें हैं उनको कम करना होगा। तो इसलिए जब सारी फर्म एक ही कीमत पर वहां पे कंपटीशन करेंगी तो हर फर्म को क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होगा। इस सिचुएशन में लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, फर्म को लॉस की स्थिति भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में तो डिमांड है और आप इतना उत्पादन कर रहे हैं कि आप कम से कम अपनी औसत परिवर्तनशील लागत तो नहीं बट औसत लागत निकाल सकते हैं। तो इसलिए लॉन्ग पीरियड में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कोई रोल यहाँ पे नहीं होता है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट प्ले एनी रोल बिकॉज देयर इज नो लॉस। क्योंकि अगर किसी फर्म को लॉस हो रहा होगा उस इंडस्ट्री में, उस उद्योग में, तो वो छोड़कर स्वेच्छा से जा सकती है। जब वो छोड़कर स्वेच्छा से चले जाएगी तो डिमांड तो उतनी ही है, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए फर्म और उत्पादन करेंगी। तो इससे जहाँ उन्होंने पहले ही अपनी कीमतें कम कर रखी थी, तो जो फर्म छोड़ के चले गई है तो उसके उत्पादन तक पहुँचने के लिए वो अपनी कीमतों में क्या करेंगी, बढ़ोतरी करेंगी। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फिर वो उसी अवस्था में आ जाएंगी जहाँ पे उन्हें सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, एंड दैट इज द कंडीशन वेयर प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, जहाँ पर कीमत औसत लागत के बराबर होती है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वही सिंपल चीज यहाँ पे दी गई है, ओ एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसे पहले आप शॉर्ट पीरियड में पढ़ भी चुके हैं, इससे पहले एम सी इक्वल टू एम आर, बट यहाँ पे जो एन पी है यही एक तरीके से क्या है, प्राइस का निर्धारण करता है। इसको प्राइस मान लीजिए कि ओ एन क्वांटिटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एन पी प्राइस की कीमत रखनी पड़ेगी, इट इज मोर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, बट हेयर यू अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे जो इस साइड ओ एम लेवल जो है ये तरीके से इसके कॉस्ट शो कर रहा है, यानी ओ एम इज ए कॉस्ट एंड एन पी इज ए प्राइस।
और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो बिल्कुल प्राइस को यहाँ पे काट रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, क्योंकि आपको औसत लाभ ही होता है, और जो औसत लाभ जिस पॉइंट पे होगा वो औसत लागत होगी, जो कि यहाँ पे फैक्टर इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आपको अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी तो आप सामान्य लाभ अर्जित करेंगे। और फर्मों के बीच में प्रतिस्पर्धा भी है, हर एक फर्म दूसरी फर्म को अच्छा करने के नीचे करने के लिए अपनी कीमतों में कमी भी करेगी, और कुछ पुरानी फर्म है वो लॉस होने के कारण छोड़ के भी जाएंगी। तो उसके लिए भी फिर आप क्या करेंगे, अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, कीमतों को बढ़ाएंगे, तो फिर सब फर्म जब एक साथ काम करेंगे तो भी वो सामान्य लाभ की स्थिति में पहुंच जाती है, दे रीच टू दी लेवल टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि डिमांड मार्केट में मेंटेन है, डिमांड इज इंक्रीजिंग हाइकिंग, दैट्स व्हाई इट्स ए लॉन्ग पीरियड कंसेप्ट। तो सिंपल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, यही इसकी एवरेज रेवेन्यू भी है, क्योंकि प्राइस जिस कीमत पे आपने रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मीन्स डिमांड, जितनी डिमांड है उतने आपने प्राइस वहाँ पे रखा हुआ है, और आपको औसत लागत यहाँ पे मिल भी रही है, निकल भी रही है, डेट्स वाई यू आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, और कोई भी फर्म यहाँ पे लॉस बियर नहीं करती है, और नाइदर एनी फर्म अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि बहुत सारी डिमांड बढ़ने से बहुत सारी फर्म उसी व्यवसाय में उतर जाती है, तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो वो अपनी कीमतों को कम करने लगती हैं, और जो भी जितने रिसोर्सेज हैं फिर वो सब में बढ़ जाते हैं, उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, तो इससे किसी भी फर्म को यहाँ पे असामान्य लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। ओके, थैंक यू।